फ्रीली सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और घंटा बजाना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री है। 1960 में पीटर बर्ग ने एक थ्योरी दी थी जिसको 2012 में प्रूफ किया गया, उस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट किया गया लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से जो कि जेनीवा में स्थित है। इस एक्सपेरिमेंट में जब दो प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से लड़ाया जाता है, कोलिजन किया जाता है, तो एक नया पार्टिकल मिलता है जिस पार्टिकल का नाम रखा गया वो था हिग्स बोसोन। लेकिन सबसे ज़्यादा वो फेमस होता है, उस जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है उसका, वो है गॉड पार्टिकल से। जब हिग्स बोसोन जो ये नया पार्टिकल है, ये जो है एक वीक एक फोर्स जनरेट करता है जिसका नाम है गॉज बोसोन। गॉज बोसोन एक वीक फोर्स ये जनरेट करता है। इस फील्ड में जब एक लाइट की जब एक लाइट आती है, लाइट यानी फोटॉन्स जब आते हैं तो उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब एक एटम आता है तो ये जो फील्ड है वो उसको एटम को उसकी अपोजिट एक फोर्स लगा देती है और उसको धीरे धीरे उसको स्लो डाउन कर देती है। होता क्या है कि जो लाइट है वो लाइट जो है उसमें लाइट जो है वो मासलेस क्वांटिटी होती है, लेकिन एक एटम जो है उसकी उसकी मास होता है, जिसकी वजह से ये फोर्स जो है वो एटम के ऊपर लग पाता है, लेकिन एक लाइट के ऊपर एक मासलेस क्वांटिटी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। यही वो कारण है जिसकी वजह से एक लाइट जो है वो 1000 लाख लाइट ईयर तक जा सकती है, लेकिन एक एटम जो है वो कुछ ही समय के बाद वो रुक जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटा बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड अपडेट्स। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।